वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्रिकेट मसाला के तमाम देखने वाले छोटे मोटे काले गोरे बूढ़े जवान को मेरा सलाम। और आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम तीन से चार अपडेट जो है वो कवर करेंगे। तो पहली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान जो है वो कर दिया है। ये है आज की पहली अपडेट, जिसमें तफसीलात के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए क्विज टीम का जो है वो ऐलान कर दिया, जिसके तहत जुमे को पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल स्टेंटस करेंगे। न्यूजीलैंड बोर्ड का कहना है कि T20 सीरीज़ के पहले मैच में टीम में विलियमसन और बॉल दस्तयाब नहीं होंगे, जबकि साउथी काइल चैम्पियनसन भी पहला T20 मैच नहीं खेल सकेंगे। अब दूसरी अपडेट की जानी बढ़ते हैं। तो दूसरी अपडेट हमारे पास ये निकल के आ रही है कि दानिश कनेरिया, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पहले ही जो हैं वो क्रिकेट में जो है वो अपने जौहर दिखा चुके हैं, एक बॉलर हैं, तो वो जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि क्रिकेट के दरवाजे उन पर जो हैं वो जल्द खोले जाएँ। स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में ताहियात पाबंदी के शिकार पाकिस्तान साबिक टेस्ट स्पिनर दानिश कनेरिया ने कौमी सीनियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट में उमदा बॉलिंग का मुजाहरा कर डाला। 21वीं नेशनल सीनियर्स कप में हफ्ता को नया नाजम आबाद 39 साल लीग ब्रेक बॉलर ने SI ग्लोबल की नुमाइंदगी करते हुए टेक डेट के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 25 रन के अवर 4 खिलाड़ियों को मैदान बदल कर दिया। तो वो ख्वाहिशमंद हैं कि उन पर जो है वो जल्द अज जल्द क्रिकेट के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाएं। वो पुरउम्मीद हैं क्रिकेट उनको जो है वो वापस बुला ले। तीसरी अपडेट की जानिब जो है वो हम बढ़ते हैं। तो गैर मुल्की टीमों की आमद जो है यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है 2021 में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से जो है वो तैयारियों का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। 2021 में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की जो है वो तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और सीरीज़ यहाँ पर खेलेंगे। COVID-19 के हालात में सैनिटाइजेशन और हाइजीन पार्टनर राइट्स के लिए भी पेशकश मांग ली गई है। सबसे लास्ट अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ा बयान जो है वो जारी कर दिया। शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी के मतलब सोशल मीडिया पर खबरें जो भी चल रही हैं, जो भी बयान जो है वो लोग कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की बेटी के हवाले से, उसके हवाले से शाहिद अफरीदी का बयान जो है वो जारी कर दिया है। शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा है कि अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर मेरी बेटी से मतलब गलत खबरें चल रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो आज की छोटी छोटी अपडेट उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा दें ताकि आप इस तरह के डेली अपडेट के साथ जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।